दुनिया भर में भारत एक आस्था का केंद्र है। देश में कई रहस्यमयी मंदिर हैं, इनके रहस्यों को वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताते हैं जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले हमारे वीडियो का। कहते हैं, शरीर त्यागने के बाद सभी लोगों की हृदय गति रुक जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद भी उनका हृदय अभी भी धड़क रहा है। आपको जानकर इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी सत्य पर को यकीन हो जाएगा। भगवान श्री हरि ने द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का अवतार लिया तो उनका यह मानव रूप था। सृष्टि का नियम है कि धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान का मृत्यु निश्चित है। उसी तरह भगवान श्री हरि के इस मानव रूप की भी मृत्यु निश्चित थी। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग दिया। इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर अग्नि में तो समा गया, लेकिन उनका दिल धड़क ही रहा था। अग्नि भी ब्रह्म के हृदय को नहीं जला पाई, यह देखकर पांडव हैरान रह गए। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही यह रहस्यमयी मंदिर बेहद चमत्कारिक भी है। इस मंदिर के सामने आने वाली हवा का रुख भी बदल जाता है। मान्यता है कि हवाएं इसलिए अपनी दिशा बदल लेती हैं ताकि समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर न जा सके। प्रवेश द्वार से मंदिर में कदम रखते ही समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मंदिर का ध्वज भी हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय मौजूद है। भगवान के हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से होता है। हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, उस दौरान इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। बताया जाता है कि जब इस रस्म को किया जाता है तो उस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। मान्यता है कि इस मूर्ति के नीचे आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। जब भगवान कृष्ण का हृदय एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखा जाता है, बिजली काटने के साथ ही पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। इसके अलावा हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए रस्म निभाने से पहले पूरा ध्यान रखा जाता है और सतर्कता के साथ यह कार्य किया जाता है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी यह प्रक्रिया की जाती है तो उसमें ऐसा एहसास होता है जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और रहस्य के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।